जरीपटका क्षेत्र में रहने वाले आरोपी प्रदीप कुमार मखिजानी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। 31 वर्षीय पीड़ित महिला की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे दुष्कर्म किया है। आरोपी ने उसे घर कार्य के लिए रखा था। आरोपी ने मौका पाकर उसे कई बार दुष्कर्म किया है। आरोपी ने उसे 2 माह की पगार तक नहीं दी। जरीपटका पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। जरीपटका थाना क्षेत्र के एक अधेड़ ने अपने यहाँ काम करने वाली बाई को ही अपने हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने अश्लील कृत्य का वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर कामवाली से कई बार संबंध स्थापित किए। अधेड़ की बढ़ती जा रही हरकतों से तंग आकर महिला ने उसके खिलाफ जरीपटका थाने में शिकायत की है। मिली जानकारी के अनुसार हुड़केश्वर थाना परिसर में रहने वाली एक महिला को भीम चौक मंगलवारी बाजार के समीप रहने वाले प्रदीप माखीजानी ने अपने यहाँ पर काम पर रखा था। उनके घर और कार्यालय में वे साफ सफाई करती थी। इस बीच आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस थाना जरीपटका यहाँ पर अपराध क्रमांक 801/21-376 दाखिल हुआ है। इसमें जो पीड़िता है वो पीड़िता घर में काम करने वाली नौकरानी है। 31 वर्ष उसकी उम्र है। यह 2.5 महीने से ये आरोपी के घर पर काम कर रही थी और काम करते वक्त उस पर ही अत्याचार हुआ है, ऐसी उसने तकरार दी है। उसके 2.5 महीने का जो पेमेंट है वो भी उसको मिला नहीं है और आरोपी ने उससे घर से निकाल दिया है, यानी काम से निकाल दिया है। तो इसी तकरार को लेकर वो पुलिस स्टेशन जरीपटका यहाँ आई है। यहाँ का आरोपी का नाम है प्रदीप कुमार माखीजानी। तो इस मामले में तहकीकात जारी है। जरीपटका पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है। महिला का आरोप है कि वह जब भी माखीजानी के घर के काम करने लगती थी तभी से वह उस पर बुरी नजर रखने लगा था। एक दिन सुबह के समय कार्यालय में सफाई कर रही थी तब आरोपी भी कार्यालय में पहुंचा था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।